आदाब नाजरीन, मैं शेख लुकमान और आप देख रहे हैं इस्लामी एक्सप्रेस न्यूज। आइए नाजरीन देखते हैं इस्लामी एक्सप्रेस की ये खास खबर। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। आदाब नाजरीन, इस्लामी एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। वजीर ट्रांसपोर्ट जनाब पूनम प्रभाकर ने जुमे को हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में महालक्ष्मी फ्री बस सफर की सहूलत फराहम बराए खवातीन स्कीम के निफाज का जायजा लिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के आला अहदेदारों ने इन्हें बताया कि इस स्कीम को फील्ड सतह पर किस तरह नाफिज किया जा रहा है। वजीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर खिताब किया। इन्होंने RTC के अहदेदारों और अमले का शुक्रिया अदा किया कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ कराई गई महालक्ष्मी स्कीम को बगैर किसी परेशानी के पुरसकून माहौल में कामयाबी के साथ नाफिज करने के लिए है। इन्होंने संक्रांति पर भी महालक्ष्मी स्कीम के निफाज की तारीफ की। TSRTC हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें कि मुसाफिरों के रश को पूरा करने के लिए जल्द ही मजीद नई बसें दस्तियाब हों। बताया गया है कि तंजीम को हुकूमत की जानिब से मदद हासिल होगी। इस मौके पर RTC के अहदेदारों ने वजीर को तवज्जो दिलाई कि महालक्ष्मी स्कीम के कामयाब निफाज के पीछे फील्ड स्टाफ, ड्राइवरों और कंडक्टर्स की कोशिशें हैं। इन्होंने हुकूमत से कहा कि वो मुलाजमीन के ज़ेरुल्तवा मसाइल को हल करने में ताउन करे। CM रेवंत रेड्डी ने ज़ेरुल्तवा मसाइल का मामला अमले की तवज्जो में लाया है और इन्हें जल्द हल करने के इकदाम करने का वादा किया। इस जायजा मीटिंग में ट्रांसपोर्ट R&B के चीफ सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, TSRTC के MD VC सज्जन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनशेखर कृष्णकांत और दीगर ने हिस्सा लिया। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। इस्लामी एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।